जात पात के खिलाफ उस जमाने में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सबकी एकता के लिए प्रखर रहते थे। ऊंच नीच का विरोध करना, पंथा पंथ का विरोध करना, सबको एक साथ चलने का, मानस को मानस के रूप में मानने का, ये महान परंपरा उन्होंने जी करके दिखाई थी। उस कालखंड को देखें, पूरा परिवार बलिदान, ऐसा वंशदानी शायद इतिहास के जरोखे में कहीं नजर आ सकता है, जो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपने जीवन से करके दिखाया था। और उस कालखंड को देखें, एक तरफ भयंकर क्रूरता थी, जुल्म थे, अत्याचार थे, गुरु गोविंद सिंह महाराज का मार्ग एक तरफ क्रूरता तो दूसरी तरफ वीरता का था। उन्होंने वीरता का मार्ग लिया, जन सामान्य में वीरता पैदा करने का प्रयास किया, क्रूरता का मुकाबला क्रूरता से नहीं, क्रूरता का मुकाबला वीरता से करने का संदेश गुरु गोविंद सिंह महाराज ने दिया। आज जब देश की एकता, अखंडता, शांति, एकता, सद्भाव इस मंत्र को हमें जीना भी है और नई पीढ़ी को जीने के लिए प्रेरित भी करना है, बिखराव करने वाले लोगों की संख्या कम नहीं होती, लेकिन एकता करने वालों का ताकत भी अनेक गुना होता है। ये महान परंपरा हमें एकता का मार्ग दिखाती है, सद्भावना का मार्ग दिखाती है, सेवा का रास्ता बताती है। अगर त्याग है, बलिदान है, तो सेवा भी उच्च कोटि की है। ऐसी इस महान परंपरा के समय 350 वर्ष में प्रकाश पर्व के निमित्त गुरु गोविंद सिंह महाराज के चरणों में वंदन करता हूं, उनके त्याग बलिदान को नमन करता हूं, और पूरा देश, आने वाली पीढ़ियां इन महापुरुषों के वचनों को जाने, समझे, जीने का प्रयास करे, इसके लिए इस प्रकाश पर्व हमें नित्य निरंतर प्रकाश देता रहे, इसी एक प्रार्थना के साथ मुझे संगत के बीच आने का अवसर मिला। गुरु ग्रंथ साहब का सामने मत्था टेकने का सौभाग्य मिला। आप सब ने मेरा स्वागत सम्मान किया, आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।